गाइस तेल भर चुके हैं हम लोग गाड़ी में, डीजल भर चुके हैं एंड अब हम लोग एक स्टॉप पर आए हैं जहाँ पे हम लोग कुछ अपने लिए कॉफी या एंड स्नैक्स बाइट्स कुछ ना कुछ ले लेंगे। इट्स टाइम फॉर सम कॉफी एंड सम चिकन विकन जैसा कुछ बन होता है ना, हॉट डॉग टाइप वैसा कुछ लूंगा और पानी की बॉटल लेनी है सबसे इम्पोर्टेंट। देखो डोनट वोनट तो मुझे खाना नहीं है, ठीक है वो रहा मेरे काम का जो है उधर है। वी हैव गॉट अ चीज बर्गर ओवर हियर, चीज बर्गर हॉट सरफेस मफिन नैचोस बीफ है यार। ओ तैनू ले बस, ये तो अभी देखा मैंने सबवे बर्गर की सब कुछ है इधर। उठाओ अपना अपना बर्गर फिर और क्या, सबसे बेस्ट वही रहेगा। टेक अवे ले लिया हम लोगों ने हमारा बर्गर किंग में, एक बर्गर लिया मैंने एंड सम फ्राइज एंड अ कोक। चेंज ऑफ प्लान्स, पहले हम लोग रोड के लिए ले रहे थे फिर अनिमेश ने बोला एक काम करते खा लेते और एक कॉफ़ी लेके वो रोड के लिए रख लेंगे कॉफ़ी, वरना नींद आ गई तो लफड़ा हो जाएगा। ऐसा सब अच्छा अच्छा खाने के बाद नींद ही आता है। बाय द वे गाइस हम लोग ये कौन सी जगह है, बॉल्टन मैनचेस्टर एंड यहाँ पे ही वाज देयर एट द काउंटर अलोंग विद हिज कलीग एंड दे रिकॉग्नाइज्ड अस एंड अब देखो यार ये क्या कर रहे हैं यार, फ्री में डोनट दे रहे हैं। फ्री में नहीं, मैं पे करूंगा यार तेरे लिए। अरे तो मेरे लिए फ्री हो गया ना, तेरे लिए फ्री ऐसे नहीं होता यार, और रहे डोनट दे रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं, कॉफी के साथ अच्छा लगा थैंक यू सो मच। ये भाई साहब ने सबसे पहले बोला मोटर लेट बिट। आपने आपने मेरा सबसे पहला वीडियो कौन सा देखा है? पहला वीडियो मैंने तुम्हारा क्लच देखा था यार, एक कौन सा अंदर वो तुम जोन के बाहर जाके मारते हो ना, बहुत सारे वो 19 मिलियन में से एक ये भी है। सबको बोलता फिर रहा है इनका ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना, दे रहे स्टार फ्रॉम इंडिया ऐसा ऐसा बोल रहे। Sit nice. Wait. Sit. High five. High five. Tell us. Phoebe, sit. Phoebe, sit. Phoebe. Phoebe, sit. Hi. High five. Oh, देखो guys. Paragliding. सो ब्रेक के बाद हम लोग वापस से रोड पे आ चुके हैं, लेकिन हमने कॉल किया था जहाँ पे पूरे सारे एसएटीएल वालों को कॉल किया था, हमने अपने फैमिलीज को भी कॉल किया था, इतना ब्यूटीफुल रास्ता है। बड़े क्वेश्चन है सबके लिए एंड सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 0.1 सेकंड में हमारे कॉल करने के एसएटीएल में सबसे पहला बंदा कौन है जो उठाएगा कॉल, सबसे वेला कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके हमें बताना है। मेरे रिंग दबाने के पहले ही उस बंदे ने कॉल उठा लिया था, तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ कौन है वो, मैं उसका हार्ट दूंगा। I've traveled this big world, lonesome I have roamed, I've laid down in green pastures, I've rolled down rocky roads, as my head turns silver. We have finally reached Balmoral at Edinburgh. It was a very long drive, बहुत मजा आया। अरे मर्सी दादा इन स्कॉटलैंड, माफिया दादा इन स्कॉटलैंड। Edinburgh कैसल और पीछे वो पहाड़ देखो, आपको दिख रहा है कुछ, वो कासल ही दिख रहा है पूरा, उतनू उसका वो दिख रहा है, पहले कैसे था ये एरिया वो दिखाया है इन्होंने शायद। गाइस कैन यू सी नेपोलियंस घोस्ट इस इमेज में, एक घोस्ट है नेपोलियन का, कैन यू सी हिम, पॉज करके दे ढूंढो और बताओ कमेंट्स में। गाइस मेरा थर्मल व्यू है, गाइस ये सब चीज़ से मेरी फटती है वैसे तो, बट ठीक है। हाउ वेल डू योर हैंड्स अट्रैक्ट द लाइट, Touch the tube to control the light intake if you touch someone else. Guys, पता नहीं ये कैसे हो रहा है बट आप सी थ्रू में देख सकते हो, मैं भी दिख रहा हूँ इसके थ्रू भी। अब मैं ये बटन दबाऊंगा जैसे ही लाइट अंदर वाली ऑन हुई सारी जितने भी हैं, बट दिस वन डिड नॉट। हेलो साइंस लोग किधर हो तुम लोग, प्लीज़ बताओ कैसे होता है ये। मेन लाइट ऑन नहीं हुई है बट मिरर में सब ऑन हुआ है, ऐसा लग रहा है अनिमेश मेरे सामने बैठा है राइट। हाय गाइस, ये शेडो बॉक्स है ठीक है, इस पे शेडो रह जाता है परमानेंटली। ये देखिए हमारा शेडो यहीं कहीं रह गया, सेक्सी है वे। मस्त है यार ये कैमरा ऑब्सक्यूरा जिस जगह पे आए हैं हम लोग, बहुत कुछ है यहाँ पे, एवरीवेयर देयर इज सम इल्यूजन जो देखकर काफी मजा आ रहा है। और अभी हम लोग आ गए हैं टेरेस पर जहाँ पर देयर इज समथिंग पैनोरामा, देखते हैं क्या है। अनिमेश आदि अग्रवाल, अनिमेश आदि अग्रवाल तू आदि को रिप्लेस कर ही दे। अब तू कितने देर तक बैलेंस कर पाता है छोड़ के, छोड़ दे
अच्छा वो छोड़ते ही टाइमर चालू हो गया। हाँ गलत पावर लग रहा है। समझा? हाथ बहुत इम्पोर्टेंट। शराब सूंघ रहे पीने से पहले गाइस। पेपर या वेरी स्पाइसी। इट्स वेरी स्पाइसी स्मोकी या एकदम प्रॉपर टेस्टिंग हो रहा है गाइस अभी। सॉवरेन विस्की, दिस इज बर्गंडी एंड दिस इज शेरी। सबसे जो कलर जिसका सबसे ज्यादा वो है वो बर्गंडी है। जो सबसे लाइट कलर है वो सॉवरेन। सॉवरेन से शुरुआत करेंगे। हाँ यस चीयर्स ब्रो। माँ कसम फट रही है मेरी। डेंजर है। वेरी लाइट लवली। आराम से करते हैं। गरम। चलो तो हम लोग हमारे फाइनल डिस्टिलरी आ चुके हैं। इसका नाम है डीनस्टोन डिस्टिलरी एंड यहाँ का जो पावर है इट्स कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज वो व्हील घूमता है और उसमें से दे टेक दिस वाटर फ्रॉम हियर एंड वहाँ से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ लाइक इनसेन। सच अ बिग प्रॉपर्टी। यहाँ पे डायरेक्टली बैरल से दारू आता है सुनने में आया। देखते प्रेस करके टान ले। पिचकारी है। टैप 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 टैप। Release it slowly. Okay. Thank you so much. Yeah, that's the one. That's mine. Thank you. So this is the one that you packed right now, right? No, this is the first one. Okay, this is the third one, right? So guys, हमने decide इन लोगों का घंटा हिंदी नहीं समझेगा तो we have decided कि हमारे जो tour guide ना tour बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया। Like he told us about the history. Yes, हम लोग उनको gift कर रहे हैं। Like we had 22 years. This is 29 years old. Correction, 29 years old. The third one is 29 years old. This one, and it has a signature of me, Brian. इतना भी पता नहीं है क्या कर रहे हम। This is a gift from us to you. Yes. Yeah. Thank you. Really loved it. Thank you so much. भाई कसम से बोल रहा हूँ अनिमेश। खुद के लिए लेने से ज्यादा अच्छा किसी को देने में लगता है। भाई अभी हमें इस बंदे का रिएक्शन नहीं पता है क्योंकि भाई ऐसा हो रहा था हम लोग जो भी लोग से ट्रेवल कर रहे थे ना हम लोग टिप टिप दे रहे थे। It's gonna be real good. It's 29 years. Yeah. Yes. You're gonna love it. What? Oh. Why are they in the middle of nowhere? The mythical horses, right? That live in the water. Oh. They're called the kelpie. Okay. So they're supposed to be 10 times the size of a horse with 10 times the strength. Oh. So many centuries ago, they used to pull the canal barges up and down the river. Right. So they made a monument to the horses. Okay. And that's the monument. So I want to ask you something about Loch Ness. Loch Ness monster. Do you believe in the Loch Ness monster? Of course. You do? Yeah. But you haven't seen? No. So you believe that because of the theories and because of the number of proofs, they do exist. Yeah, I think there's something there. Yeah, for sure. You never know. Yes. What is the depth of the river where the Loch Ness monster was, or the ocean? I think it's about 100 meters or more, 200 meters. But do you think that it's only 100 meters? Oh, but it's long. It's long. Yeah, like 4 or 5 miles long, 6 miles long. So why doesn't it show up? Because it only comes out sometimes. It does? If you look for it, you'll never see it. Oh. Don't look for it. That's what. Have you ever spotted it? No, but I've seen some strange movements in the water sometimes. Okay, strange movements in the water. Yeah, you can see it sometimes. If you look over, you can see strange V-shaped ripples in the water. The V-shaped. Yeah, right. Yeah. So it's like something swimming through the river, you know, like the water. Okay, something swimming. Sometimes you think it might be a I had read about Loch Ness when I was in my schooling times. That's around 10 years, 15 years ago. And I read an encyclopedia where they had this, you know, details about the Loch Ness monster and it being seen in the river. But
I never knew about it. This is like insane. It's a big lock. It's very long and very deep. Yeah. It's a V-shaped lock. सो हम लोग वापस से लंदन आ चुके हैं. आई मीन हम लोग को हीथ एडिनबर्ग से लेके लंदन तक की फ़्लाइट थी और अब लंदन से दुबई की फ़्लाइट है. बट द फ्लाइट इज़ आफ्टर 5 आवर्स. 5 घंटे का लेओवर है हमारा. आइए मेरे साथ 5 घंटा बिताइए. देखिए मैं क्या क्या करूँगा यहाँ पे. अभी तो हम लोग बैगेज क्लेम पे बैग्स का वेट कर रहा है. बैग्स आने के बाद फिर हम लोग ये वाले एयरपोर्ट गेट से बाहर निकलेगा. मिस्टर अनिमेश अग्रवाल, आपके लिए बहुत टेस्टी खाना लाया हूँ. मिस्टर अनिमेश अग्रवाल, हेलो. थक देख तो ले ये और ये. थैंक यू. पनीर को भी ज़्यादा चांस नहीं लेना था इसलिए मैंने भी पनीर ले लिया खुद के लिए. यस दिस इज़ चिकन एंड मशरूम के साथ है वो. और ये प्रॉन्स. सब कुछ उठा लिया डेजर्ट छोड़ के. गाइज वो हो चुका है बम. वाट लग गई है गाइस. फ्लाइट डिले हो चुकी है और हम लोग को पता चला है कि दुबई से जो हमारी इंडिया की फ्लाइट थी वो वैसे ही 1.5 घंटे का लेओवर था वहाँ पे. बट उसके बाद वाली जो फ्लाइट है वो 18 आवर्स लेटर है हमारे पहुँचने के. तो यहाँ 2 घंटे का डिले के वजह से वहाँ का फ्लाइट 18 घंटा डिले हो चुका है हमारा. बट लेट्स सी अब क्या होता है. हम लोग तो अब एयरपोर्ट पे बिताएंगे समय. अब मेरा तो वहाँ मेरा ना US वीज़ा है मेरा ना मेरा दुबई वीज़ा है. मतलब US वीज़ा नहीं है तो मैं वहाँ पे लाइक आ ही नहीं सकता कुल. तो मैं तो एंटर नहीं कर सकता. तो गाइस अब हमारा नया घर हो चुका है एयरपोर्ट. अब खबर मिली हमें कि हमारी फ़्लाइट हो चुकी है कैंसिल. एंड अनिमेश लिटरली बोल रहा था कि इसके पहले जो फ्लाइट हम लोग बुक करने वाले थे ना अर्ली फ्लाइट, बोर्ड पे दिखाया दैट फ्लाइट वाज कैंसिल्ड. और उसी के बाद अनिमेश को वेबसाइट पे दिखा हमारी भी फ्लाइट कैंसिल हो गई. तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्या होने वाला है, कब होने वाला है, ये लोग इन्फॉर्मेशन देंगे तब पता चलेगा. तब तक के लिए इन लोग के बुफे में दबाते रहो पूरा टिकट का पैसा इधर ही खा खा के वसूल करने का. अभी दैट इज़ द बेस्ट वे. मैं तो खा भी चुका और अभी जा रहे हैं हम लोग नीचे उन लोग से पता लगाने कि आगे क्या होगा. देखते हैं. गाइज वी हैड द लॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ऑफ डेज बिकॉज हम लोग सुबह निकले थे रात में. आई मीन हम लोग 3:30 बजे AM को निकले थे. एक फ़्लाइट की हम लोग पकड़ी, हम लोगों ने 1/2 घंटा डिले थी. वहाँ से हम लोग आए हीथ्रो, दैट इज़ लंदन. एडिनबर्ग से लंदन आए हम लोग. लंदन आने के बाद हम लोग को बोला कि 2 घंटा फ्लाइट डिले है. ऑलरेडी वी वर ऑन अ 5 आवर का लेओवर. बट उसके अलावा इट वॉज अनदर 2 आवर्स जो इन्होंने बोला कि डिले है. और उस 2 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि द फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड. और तब से मैं और अनिमेश सिर्फ बैठे हैं. बहुत हार्श डे था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट द ट्रिप इज़ नॉट एंडिंग ऑन अ गुड नोट. अभी हम लोग इमिग्रेशन का लाइन में 1 घंटा लग के वी हैड टू री एंटर लंदन. हम लोग को कल की फ़्लाइट्स दी है वापस से सेम टाइम पे, सेम फ्लाइट वैसी. और हम लोग का होटल पता नहीं बुक किया है कि इन्होंने, वो चीज़ अब हमें जाके रिसर्च करनी है. और अभी हम लोग बैगेज क्लेम पे आए हैं तो वो पूरा वो कॉल रीच चेक एंड बहुत सारा उनका फॉर्मेलिटीज़ है वो सब पूरा कर रहे हैं. देन हमें अपना बैग मिलेगा. पता भी नहीं बैग कहाँ है, शायद अंदर रूम में होता है इन लोग के. क्वाइट एन एक्सपीरियंस दिस वॉज. बेल्ट नंबर 6 पे हमारे बैग्स आने वाले हैं 5 के 5. लेकिन अभी अभी एक फ़्लाइट लैंड की है तो फिर वी हैव टू वेट कि इन लोग का कब ख़त्म हो. इन लोग का जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही हम लोग का शुरू होगा. जूस निकल चुका है हम लोग का पूरा. वाट लग गई है. ख़त्म हो गए दोनों. After a very tiring day, it's finally 8:30 PM and हम लोग अब वापस से एयरपोर्ट से निकल रहे हैं. एंड आज हम लोगों ने एयरपोर्ट का रेंट देना चाहिए था, इतना टाइम रुके हम लोग एयरपोर्ट में. खैर टिकट ही इतना महंगा है. हो गाइस हम लोग होटल आ चुके हैं. हीथ्रो का हालत इस वक्त बहुत ख़राब है. काफ़ी विंडी टेम्परेचर है तो हम लोग को लाइक फाइनली गोदा होटल जहाँ हमें रुकना था. एंड यहाँ पर भी लिटरली इट्स 103% बुकड ऐसा इन्होंने बोला. उन लोग के जितने भी जो हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग की थी होटल की, जो ये लोग के कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है. तो हम लोग को 1/2 घंटा बाहर ही रुकना पड़ा. लाइक दे डोंट इवन हैव दैट पब्लिक, जो वो स्टाफ नहीं है जो हम लोग का लगेज लेके जा सके. तो हम लोग अपना लगेज खुद लेके जा रहे हैं. ऑलरेडी अनिमेश एक पूरा जो बड़ा वाला था वो लेकर ऊपर जा चुका है लगेज. एंड गाइस 10 बजे मैं ट्वीट डाल रहा था एक, उससे अच्छा होता अगर हम लोगों ने खाना बुक कर लिया होता, मतलब रूम सर्विस से. बाद में उन लोग का वेबसाइट पे देखा तो 10:30 बजे रूम सर्विस बंद होती है, लेकिन इसमें बंद ही हो गया था. मतलब 10 बजे ही बंद कर दिया था उन्होंने. अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है वहाँ पे. लाउंज में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था लेकिन कितना ही खाते. अभी हम लोग होपफुली नीचे हम लोगों को कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, खाना ही मिल जाए. एग्जैक्टली
बहुत सरप्राइज, मैंने पता नहीं क्या मैथ्स और साइंस लगाया है, बट बिजनेस क्लास की फ्लाइट में फाइनली हम लोग आ चुके हैं। दे हैव गिवन अस द मेन्यू, दे हैव गिवन अस अ किट। ये किट बैग में क्या है मुझे पता नहीं। अभी उन्होंने ब्लैंकेट दे दिया, उन्होंने हेडफोन्स दे दिया है, यहाँ मेरा सामान है ड्यूटी फ्री का। एंड इधर आते हैं, ये मैंने कुछ साइंस लगाया है, ये ब्लू लाइट आना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। भाई अब फाइनली जाके मैं फर्जी देखूंगा बिकॉज इट इज़ बीइंग चार्ज्ड। फाइनली इट इज़ बीइंग चार्ज्ड एंड ये चीज़ मैं कब से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पैटर्न्स और सबके सब एक दूसरे के साथ जा रहे थे। एंड मेरे पास दो चार्जर थे, आई हैड टू ट्राई दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो, बट फाइनली इट हैज़ वर्क। एंड अब हम लोग आज के पूरे चेक इन सब कुछ करके वी आर इन द फ्लाइट नाउ। इट्स गोना बी अ लॉन्ग फ्लाइट, दुबई में सीधा टच डाउन करेंगे। खाना खाने के वक्त आपको डायरेक्टली मिलता हूँ मैं, ठीक है। दिखाता हूँ आज के हमारे फूड मेन्यू में जो हमें दिया गया है, इसमें से मैं क्या ऑर्डर करूँगा। सो सी यू। नाइस, चल ओके, हाँ ठीक है चल बाय। ये जो रिमोट है सामने टीवी होता है उसका रिमोट है ये, एंड इससे हम इस फ्लाइट में किसी भी सीट को कॉल कर सकते हैं। तो अनिमेश ने 17D सीट से मुझको 21G के सीट पे कॉल किया था अभी, तो उसी से बात कर रहा था। सीट स्टिल देयर, रिडायल भी कर सकता हूँ मैं। तो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करना हो, वी कैन कॉल ईच अदर। गाइस आज हम एमिरेट्स में पूरा निचोड़ेंगे, तो हमने अपना स्टार्टर मंगा लिया सबसे पहले। ये देखिए क्या है, दिस इज कैरेट एंड जिंजर सूप। आई हैड टू ट्राई समथिंग। ये ब्रेड है साथ में, एंड ये पता नहीं वो लोग एक झाड़ देते डेकोरेशन के लिए मुझे लग रहा है। अभी मैंने बिरयानी खाई है, इट्स ओवर। डेजर्ट का मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा रू अफ्जा मंगा लूँ, जिसका नाम है नेग्रोनी। तो नेग्रोनी आ चुकी है और अभी मैं फर्जी के 5th एपिसोड पे हूँ, उसके बाद 6, 7, 8 एंड ख़त्म। बहुत मज़ा आ रहा है फर्जी देखने बहुत ज़्यादा। जाओ आफ्टर डिनर एंड एवरीथिंग, हमारा डेजर्ट आ चुका है। पहले डिसाइड किया था नहीं खाएंगे, बट ये चॉकलेट, ये चॉकलेट फ्लेवर है और वो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये फ्लेवर कौन सा है, तो मैं खाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा। कलर से कैरमल लग रहा है, तो डार्क चॉकलेट है, एकदम डार्क चॉकलेट। उसके साइड में जो दिया ये डार्क चॉकलेट है। थोड़ा गाइस सोने जा रहा हूँ, लेकिन ये देखो रूफ पे तारे लगाते हैं लोग, छोटे बच्चे हैं क्या। मेरा जो को पैसेंजर है, वेरी ऑनेस्ट, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आप लोग की आँखें चौंध दिया जाएंगी। मैं ना छोटा सा पीक देता हूँ, देखना ले वो लफड़ा हो जाएगा। अनिमेश क्या लगता है हम लोग को लेने कौन आएगा? बेट लगाते हैं, चल। उमंग और पोची, क्योंकि भाई सुबह 8:25 है, बाकी लोग को लेने क्या आना है, हम लोग शादी करके थोड़ी आ रहे हैं। गाइस कस्टम से अभी क्लियर होके हम लोग एग्जिट करने जा रहे हैं हमारे टर्मिनल को, एंड बाहर हमारा वेट कर रहे होंगे जैसा मैंने और थग ने प्रेडिक्ट किया था, उमंग और पोची, ठीक है। लेकिन मेरे दिमाग में एक और चीज़ था, तो मैं सबसे जब मिलूंगा सबसे पहले वो लोग मुझे क्या बोलेंगे, वेलकम बैक, प्रोबेबिलिटी 1। प्रोबेबिलिटी नंबर 2 वो लोग जो मुझे बोलेंगे इज़ मेरे लिए क्या लाए या क्या लाया या समथिंग ऑफ दैट रिलेवेंस। एंड प्रोबेबिलिटी नंबर 3 कैसा है। तो ये तीनों में से लेट्स सी हर जन या फिर अदर, मतलब अदर में कुछ भी हो सकता है, लाइक गाली वाली दे दिया ऐसा कुछ, ठीक है चलो देखते हैं। अकेला है लगता है उमंग। ओ सोना नहीं हो रे, बाप रे। हेलो कैसे हो? और वेलकम टू मुंबई। क्या बात है, कैसा है? मेहनत देख लो भाई, बैग नहीं जा रहा अंदर इतना। क्या रे उमंग, गाड़ी भी अब क्या रूफ भी ऊपर करना पड़ेगा क्या? हा हा, ओ बिस्तर गाइस देखो, बैठने को जगह नहीं थी, ये मेरे सर पे मार रहा था व्हील कब से। बाबू डॉलर कैसे हो? फाइनली गाइस गेमिंग हाउस आ चुके हैं सब, सुनने में आया एवरीवन, लिटरली एवरीवन इज स्लीपिंग राइट नाउ। और हेलो और क्या क्या भागा भागी हो रही है। आ गए बढ़िया, आप कैसे? लव यू, लव यू। हेलो पुकार है माँ का साथ। और जब से मैं गया हूँ तब से नहाया नहीं है लगता है। और आदि कुछ दो शब्द बोलना चाहोगे मेरे लिए क्या लाया?
एक फायदा हुआ ना लंदन जाके, क्या फायदा हुआ था? रेगुलर ब्लॉग होना था। पैर तो छुओ। और बताओ कैसे हो यार, आते हो और फिर चले जाते हो, अभी भी घर जा रहे हो यार? नहीं नहीं, मैं तो हूँ, आज तो स्ट्रीम करना है भाई, आज करना है ना पक्का। तुम लोगों ने जो वैलो का जो वो करके रखा है वो साफ करना है मुझे। चाला जिम भाग जाता है, तुम लोग क्या मिलेगा? आते ही सोया तुम। हाँ आते ही सोने ले गया था, उठाया क्यों नहीं तुझे? तुम सो रहे थे, मुझे क्या पता कि तुम थके हुए हो। टाइम के लिए नहीं जाना चाहिए।